कृषि बिलों को लेकर एनडीए में शामिल हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अब भाजपा को आंख दिखा दी है। लोकसभा में दोनों ही कृषि अधिनियम का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अब भाजपा सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है, जबकि दोनों ही अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं। दरअसल जमीनी हकीकत जानने के बाद रालोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल परेशान हो गए हैं। वे राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के समर्थन से विजयी हुए थे, जबकि उनकी पार्टी के राजस्थान विधानसभा में 3 सदस्य हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी का असर बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर व चुरू में माना जाता है। जाट, बिश्नोई व एससी के मतदाताओं के सहारे बेनीवाल की पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1.5 दर्जन सीटों पर राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिए थे। अब वही मतदाता कृषि अधिनियम पर बेनीवाल के समीकरण बिगाड़ने पर तुले हैं। इसे समझकर बेनीवाल ने इन दोनों अधिनियम पर अपना पैंतरा बदल लिया है और उनके सुर भी भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। हालांकि घोषणा के अनुरूप हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा है, लेकिन उसकी परीक्षा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस सरकार द्वारा इन दोनों अधिनियम के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव पर होगी। बेनीवाल के तीनों विधायक भाजपा सरकार के खिलाफ पारित होने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे अथवा नहीं, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उनके समर्थकों की भी इस पर नज़र है। वहीं कांग्रेस भी बेनीवाल के आगामी रुख के बाद ही इस पर कुछ बोल पाएगी।